मॉर्निंग और आज है संडे। संडे का मतलब होता है फ्री डे, बट आज हमारा फ्री डे नहीं था। आज घर के बहुत सारे पेंडिंग काम थे, तो अभी 10 बज चुके हैं और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि काम इतना बढ़ गया हुआ था। तो पहले हम लोग ने पेंडिंग काम जो है वो किया है और हमने जीरा वाटर ले लिया था जिसका पिक हम लोग नहीं ले पाए हैं। एंड वर्कआउट आज नहीं किया क्योंकि वर्कआउट आपको डेली नहीं करना होता है, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक अगर आप करते हैं तो इनफ है वो। और अभी ब्रेकफास्ट में हम लोग लेंगे उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए ये 2 खीरा है और 1 कैरेट है जिसे मुझे ग्रेट कर लेना है। उसके बाद मैं आप बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है। और चंदन ने आज काफ़ी काम किया है और चंदन भी काफ़ी थक चुका है, तो बाकी सब ने नाश्ता कर लिया है बट हम और चंदन बाकी है दोनों। और हम लोग थोड़ी देर में भी ब्रेकफास्ट करने वाले। चंदन भूख लग चुकी है आपको? बहुत भूख लग चुकी है, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं अपना। Meanwhile, तो फ्रेंड्स जैसा कि आज संडे था तो हम लोग ने घर का काफ़ी काम किया है, चीज़ों को सेट किया अच्छे से, अरेंजमेंट को जो जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हैं हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट को रूम के अरेंजमेंट को चेंज किया है और काफ़ी आज साफ सफाई किया है। तो अभी बज चुका है लगभग 10 से ऊपर हो गया है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आप अपना मॉर्निंग स्नैक जो है आपका तो ब्रेकफास्ट में ऐड हो जाएगा। जीरा वाटर हो गया और स्नैक्स मॉर्निंग स्नैक्स नहीं लेंगे। हाँ तो अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग जो है मॉर्निंग स्नैक को आप स्किप ही करना होगा, आपको ब्रेकफास्ट के तौर पर उसका ले सकते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं आज ब्रेकफास्ट में हमारे पास क्या है। माँ कुछ ग्रेट कर रही है, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये बताएंगे? अभी जस्ट बताने वाले हैं। अच्छा। कुछ अलग रेसिपी है आज, तो रुको जरा सबर करो। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, आगे आपको पता चलने वाला है कुछ अच्छी नई रेसिपी है। अच्छा इसके लिए हम लोग ने रात में सोक भी किया था कुछ ना? अच्छा हाँ। A few moments later. अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसे ही नई नई हेल्थी और हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियो, वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करें, उनको आंसर करें। ये क्या कर रहे हैं आप? वेट कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा ये क्या है। चलिए अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और इसके लिए मैंने लिया है ये है सोक्ड ओट्स। इसे मैंने सोक किया है कर्ड में और ओवरनाइट इसे फ्रीज में मैंने रख दिया था दोनों को मिक्स करके। तो इसे अभी हम लोग मेजर कर लेंगे 150, और ये भी लगभग 150 ही होगा, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने हाफ हाफ लगभग कर लिया है। यही नहीं अभी और सुनिए, और इसमें हम लोग मिक्स करने वाले हैं ये ग्रेटेड कोकम्बर, इतना सारा, एंड ग्रेटेड कैरेट। चंदन वाले में भी ऐसे ही हम लोग मिक्स कर देंगे, और ये, और इसमें मैंने नमक भी डाला था जरा सा रॉक सॉल्ट, और ये है इसका तड़का। टेस्टी। ये सेम है कर्ड राइस वाला, उसी का कुछ मॉडिफिकेशन है जिसको हमने ओट्स बनाया है, और ये इसमें डाल देंगे। हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, वो है करी पत्ता। करी पत्ता मिस हो गया है क्योंकि हमारे पास था नहीं। Meanwhile, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास घर में बहुत सारा करी पत्ता है, बहुत सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ करी पत्ता सेंड कर दें ताकि हम लोग अपने रेसिपी को अच्छे से बना पाएँ, आने ना बनाए। शाम तक करी पत्ता आ जाना चाहिए। समझ गया बाबूजी। Well done. Meanwhile, टेस्ट करके बताइए ये कैसा लग रहा है, कैसा है ये? काफी टेस्टी।
आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा टेस्ट होने वाला है? नहीं, मुझे लगा कि नॉर्मल टेस्ट होगा, लेकिन तड़का डालने से टेस्ट बहुत अच्छा चेंज हो गया है ना। ये साउथ इंडियन टाइप का है, ये कर्ड राइस का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये कर्ड ओट्स है एंड इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं कुछ दिनों में बनाऊंगी तो शेयर करूंगी, जिसमें कड़ी पत्ता होगा। एंड और साक्षी ने तो अपना नाश्ता कर लिया है, सो गई है। और सो भी गई है, नाश्ता करके नाना भी नाश्ता कर चुके हैं, बस हम दोनों बाकी है नाश्ता के लिए, तो हम लोग जल्दी से अपना नाश्ता स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच चुके हैं, आज मॉर्निंग स्नैक्स नहीं लेना है, तो मैं सिर्फ ग्रीन टी लूंगी। और साथ में मैं अभी एक चीज और दिखाने वाली हूँ। क्या 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 क्या? इसमें मैंने डाला है कच्चा आम, जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है, एंड ये है चिया सीड्स। इसे हम लोग सोक करके एक दो घंटे तक छोड़ देंगे, उसके बाद इसमें का पानी और चिया सीड्स हम लोग लेंगे, और आम भी हम लोग ले सकते हैं। एंड जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा फिर से इसे रिफिल करके हम लोग शाम तक इसे ले सकते हैं, और शाम में सारा आम ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेस्टी डिटॉक्स वाटर है, सही बात है, जो कि मैंने अभी बना के रख लिया है। और अभी हमारा ग्रीन टी भी तैयार हो चुका है, तो मैं उसे ले लेती हूँ। उठ जाओ, क्या है? उठो उठो, जल्दी आ जाओ, चलो खाना है ना, आ जाओ। गुठली है, इसका पल्प कहाँ है? पल्प मिलेगा, पहले जाओ फ्रेश हो क्या, उसके बाद। A few moments later. चंदन आपको भी चाहिए? नहीं, हमको पसंद नहीं। कैसा लग रहा है? और तकिया पे मत बैठो, उठ जाओ, उठ जाओ, इधर आ जाओ। लगता है सपने में आम ही देख रहे थे। ज्यादा कौन सा आम पसंद है, मीठा वाला या खट्टा वाला? बीच वाला। बीच वाला कौन सा आम होता है? After editing some videos. अभी तक खाना ही नहीं बना है, बहुत भूख लग रही है। ये है पीनट की चटनी, इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो गाइस आप सब्सक्राइब करें और जरूर से इस रेसिपी को देखें। चलिए अरे चलो ना साक्षी, चलो पांक, सब लोग चलिए, भूख लग गई हम लोग को, चलो चलो तो हमारा लंच तैयार है, और पहले इसमें हम रायता बना लेते हैं। थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, ये जरा सा काम। ये गाजर है और कुकुम्बर है, थोड़ी सी चिली है एंड नमक मैंने डाल दिया है, और झटपट रायता बनके तैयार है। आज हम लोग अलग से सलाद नहीं लेंगे। चंदन अब प्लेट लाइए। अब ये चावल मेरे लिए नहीं है, मैं पराठा लूँगी। okay. ये इतना साइज का पराठा है, इसमें सत्तू और पनीर स्टफ़ किया है, तो ये मैं दो पराठा लूँगी, और साथ में मैं लूँगी रायता। एंड सब्जी में है केला की सब्जी, तो ये मैं ले लूँगी, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास दो सब्जी है। चावल है जो कि सैलो फ्राइड है, जिसे हम लोग बिहार में भुजिया बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेट, कुछ बाकी है क्या? हाँ, पीनट की चटनी। यस यस, थैंक यू थैंक यू। वो स्पून दे दीजिए। लेंगे ये प्रोटीन है इसमें, तो प्रोटीन हमारा जो है, एंड पीनट हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसमें प्रोटीन के अलावा और क्या होता है, हेल्दी फैट। तो फैट चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, उसमें कुछ ना कुछ कैलोरी तो होती है, सो इसे हमें मॉडरेशन में लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेट में पराठा भी है, रायता भी है, पनीर की चटनी भी है एंड दो सब्जी है। तो आपको लग रहा है कि ये वेट लॉस प्लेट है? नो,
तो वेट लॉस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उबला खाना होता है, आप कुकिंग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका खाना कैसा बनने वाला है। तो वेट लॉस में भी हम लोग हेल्दी खाते हैं एंड टेस्टी खाते हैं, और हम लोग अपने फूड को इंजॉय करते हुए अपना वेट लॉस कर सकते हैं। 3 hours later. अच्छा, आप ग्रीन टी इतना ज्यादा क्यों पीते हैं? हमेशा ग्रीन टी ही आपके पास रहता है? 2 बार मैं ग्रीन टी पीती हूँ, ज्यादा नहीं पीती हूँ, मॉर्निंग में एक बार और एक बार इवनिंग में। और ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो प्री मैच्योर एजिंग से भी प्रिवेंट करता है, बहुत सारे बेनिफिट है इसके, इसलिए मैं ग्रीन टी पीती हूँ। क्या बात है, ये मम्मा का इवनिंग वाला ग्रीन टी है। समझ गया बापू जी। और इवनिंग स्नैक में आप कुछ नहीं लिए? नहीं लेने का मन है। तो रहन दो फिर। अच्छा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ओह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ये क्या है आपके डिनर में आज? Hey, I'll come look at this. मेरे डिनर में आज कुछ अलग है लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें डाला है मैंने 2 रोटी एंड 200 ml ऑफ मिल्क, जो कि स्किम्ड मिल्क है। और इसके अलावा इसमें है 1 स्लाइस ऑफ मैंगो, जो अभी डाला था मैंने, एंड इसमें 1/2 एप्पल है। एंड इसके बाद इसमें है कुछ ग्रेटेड गाजर जो यहाँ पे है, उसको ही मैंने डाला है। एंड कुछ एलमंड्स है, 5 एलमंड्स, एंड थोड़े से रेजिन्स है, ब्लैक एंड जो ग्रीन रेजिन्स है, दोनों तरह के रेजिन्स हैं। और उसके बाद इसमें डाला है मैंने, देखिए, चिया सीड्स। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो चेक दैट। साथ से खाने का मन है, आओ आ जाओ। आज तो क्यों आया है, जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो उनको पेशेंस नहीं रहता है। रुको जरा, सबर करो। अभी बनने जा रही है एक हेल्दी वेट लॉस स्मूदी, जैसा कि अभी समर है और मैंगो भी हमारे साथ है, हम लोग यहाँ पे स्मूदीज बना रहे हैं, हमें हेल्दी स्मूदी है, इसलिए आप लोग भी जो वेट लॉस कर रहे हैं वो इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसकी रेसिपी शूट कर रहे हैं और जल्दी अपलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करने लगे। सब चीज रेडी हो चुका है, हम लोग सुन लेते हैं। 20 मिनट्स लेटर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ये है हमारा त्रिफला और इसे हमें पीना है, और इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। तो ले लेते हैं अपना त्रिफला। किट्टू पानी तैयार रखना। खत्म। ओह नो। त्रिफला खा के क्या फील होता है एग्जैक्टली? क्या एक्सपीरियंस है भाई? दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन काफी बेनिफिट्स है इसमें, इसलिए तो पीना चाहिए। इसलिए तो पी। और नीम के कंपैरिजन में कैसा है? नीम और करेला के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है? मेरे हिसाब से नीम बेटर है एंड करेला तो फार बेटर है। वाओ साक्षी, करेला इज आल्सो बेटर। चंदन, आपको कैसा लगता है आप बताइए? वेल, मुझे त्रिफला उतना टेस्टी नहीं लगता, मतलब क्या फालतू ही लगता है पीने में, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स है इसलिए मैं पी जाता हूँ। उतना टेस्टी नहीं लगता है मतलब कि थोड़ा सा टेस्टी लगता है? नहीं, थोड़ा भी नहीं लगता है, लेकिन उसको पीने के बाद जब पानी का टेस्ट आता है ना, वो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जब आप लोग त्रिफला ट्राई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिस्टम ये स्टार्ट हो गया है, वो भी रात में। इसलिए थोड़ा सा मतलब है, लेकिन तब भी
आप हिम्मत करके से पीजिए और रिजल्ट इसके दिखेंगे आपको, आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और आपका स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, ये सब इम्प्रूव होता है। तो आज मैंने बहुत सारे हेल्थ रेसिपी शूट किए हैं, और जब आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अधिकतर लोग हेल्थ को इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते या हेल्दी ईटिंग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हेल्दी खाना टेस्टलेस होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे हेल्थ रेसिपी को देखिए और उसे ट्राई कीजिए, आपको वो भी अच्छा लगेगा। एंड अभी तो कुछ रेसिपी ही सही होगी और धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी कि डेली जो हम लोग बनाते हैं उसे रिकॉर्ड करें ताकि आप लोग भी उसे ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो यही मेरा मोटिव है हेल्थ रेसिपी को शूट करने का। तो आज मैंने दो हेल्थ रेसिपी शूट की है एंड एक और रिकॉर्डिंग हुई है जो आपको एक दो दिन में नहीं नेक्स्ट डे मिल जाएगी, राइट चंदन? यस डेफिनेटली। तो कल मिल जाएगी क्योंकि एडिटिंग चंदन के हाथ में होती है और कुछ एडिटिंग ही मैं करती हूँ, 10% से भी कम एडिटिंग मेरी होती है। पहले तो होती भी थी पर आजकल चंदन थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं तो एडिटिंग चंदन कर रहे हैं। तो आई होप आपको टाइम पे वीडियो मिल जाएगी। और आज की जो रेसिपी है उसका तो आज ही आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। समझ गया भाई। तो आज का डे बहुत बिजी हो गया, बिजी तो डेली होता है क्योंकि ब्लॉग के कारण, मैं डेली बोलती हूँ ना कि ये बिजी हो गया, ये बिजी होता है इसी ब्लॉग के कारण, क्योंकि हम लोग को हैबिट थी नहीं ब्लॉग की और काम तो वैसे ही सबके लाइफ में रहता है, लेकिन ब्लॉग के कारण ये थोड़ा सा और बिजी हो गया। बट अब हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, बात तो सही है अब लगता है ऐसे कि ये रूटीन हो गई है हमारी, तो ठीक है, हम लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करके दिखा पा रहे हैं। एंड आप लोगों में से कौन कौन लोग वेट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं ये कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, और आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं ये भी मेंशन कीजिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके आ जाएंगे। ओके गुड नाइट। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये क्या है? अच्छा, आलमंड्स।